आज पारणसिंगा में आयोजित इस भगवान बुद्ध और बाबा साहब की प्रतिमा के अनावरण समारोह में उपस्थित सम्मान्य भंती जी, मंचासीन सभी अतिथिगण, सभी हमारे समाज के प्रबुद्ध नागरिक, माताएं, बहनें और नौजवान साथियों, आज आप सबके बीच पहुंचकर मन बड़ा प्रफुल्लित है। वो इसलिए कि आज एक ऐसा पुनीत कार्य हो रहा है जो हजारों सदियों से हमारे दलित परिवार, हमारे आदिवासी परिवार, ओबीसी परिवार, इन सबका जो संघर्ष रहा, उस संघर्ष को एक नई दशा और दिशा देने का काम और उसको सफलतम मुकाम हासिल करने का काम अगर किसी ने किया है वो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। मैं नमन करता हूं ऐसे महापुरुष को, संविधान के रचयिता आयुष्मान बाबा जी चाहे इनसे निवेदन है मंच पर आने का। संविधान के रचयिता भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाए, उनके कार्यों को जन जन तक पहुंचाए। केवल 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को उनकी जयंती और पुण्यतिथि मनाने से काम नहीं चलेगा। बाबा साहब का प्रचार प्रसार, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते को 365 दिन लोगों को तक पहुंचाना पड़ेगा, तब हमारा सच्चा सार्थक होगा। मैं सौभाग्यशाली हूं कि पिछले पंचवर्षीय में भी आप सब लोगों के सहयोग से चुनाव जीता। आप सबका आशीर्वाद फिर से दोबारा मुझे इस क्षेत्र की जनता ने दिया, आप लोगों ने दिया। बाबा साहब के संविधान के कारण आज कोई भी व्यक्ति ग्राम का सरपंच हो या देश का राष्ट्रपति हो या देश में अगर कोई चाय बेचने वाला हो, अगर प्रधानमंत्री भी, तो सिर्फ वो बाबा साहब के संविधान के कारण है। इस बात को समझ लेनी चाहिए। और बहुत सारे लोग जो बाबा साहब को जिन्होंने पढ़ा नहीं वो बाबा साहब के बारे में कुछ नहीं जान सकते। केवल फिजूल की बातें करना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे उल्टा सीधा डाल देने से बाबा साहब के विचारों को आप कुचल नहीं सकते। बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा तभी आप लोग बाबा साहब को समझ पाएंगे, चाहे किसी भी जाति धर्म समाज के लोग। तो मैं तो आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि सबसे बड़ी चीज हमारी आज हमारा संविधान खतरे में है, उसकी रक्षा करने की जरूरत है। आज प्रजातंत्र की हत्या हो रही, उसको संभालने की जरूरत है। वो तब समझेगा कि केवल बाबा साहब केवल एक कोई दलित परिवार से नहीं थे, बाबा साहब का रिश्ता केवल कोई एक समाज से नहीं था, बाबा साहब तो बहुसंख्यक और हजारों करोड़ों लाखों समुदाय के लोगों के हितैषी थे। तब जाकर बाबा साहब ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता को जन्म दिया। आज SC ST और OBC को आरक्षण मिला तो वो बाबा साहब की देन है। आज भले ही कुछ राजनीतिक दल बाबा साहब को राजनीतिक लाभ लेने के लिए काम करते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के संघर्षों को, बाबा साहब के कार्यों को हमारे रग रग में, हमारे खून खून में उतारना पड़ेगा, तब उनको सच्ची श्रद्धांजलि और उनका तब सच्चा नमन होगा। ये मैं अपने आप को समझता हूँ। तो आप सबको मैं बधाई देता हूँ। आपका आज का इस दिवस का कार्यक्रम आपने बहुत अच्छा रखा, सभी माताएं बहनें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। मुझे इस बात की भी चिंता है कि जब 6 दिसंबर को दीक्षा भूमि में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो वहां पर दूरदर्शन पर लाइव टेलीकास्ट नहीं दिखता, लेकिन जब संघ का कार्यक्रम होता है दशहरे के दिन वो लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाता है। ये बड़ी चिंता का विषय है। बाबा साहब अम्बेडकर जहाँ करोड़ों लोग, लाखों लोग, छोटी छोटी बच्चों को लेकर माताएं दीक्षा भूमि में जाती है और जहाँ लाखों लोगों की संख्या रहती है, वहां पर लाइव टेलीकास्ट नहीं दिखाया जाता, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज को और अम्बेडकरवादी विरोधी ताकतों को कुचलना पड़ेगा हमको, तब जाकर के इस संविधान बचेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सब लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। SC हो, ST हो, OBC हो, सब लोग हम जब तक बहुसंख्यक तादाद में संगठित होकर के मुकाबला नहीं करेंगे, तब तक के ये जो ताकतें हैं इस देश में जो विघटन पैदा कर रही है, हिंदुओं को मुसलमान से लड़ाने की, दलितों को OBC से लड़ाने की, पिछड़ों को आदिवासियों से लड़ाने का जो काम चल रहा है इस देश में, वो तांडव तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम आदिवासी SP और SC OBC लोग एक साथ एक लड़ाई में तैयार नहीं होंगे। तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आप सबका जीवन मंगलमय हो, आप सब फले फूले। 26 जनवरी आने वाली है, आप सबको आने वाले गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आप सबका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे सम्मान दिया, आपने मुझे इज्जत दी, आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया। मुझे और भी 2-3 कार्यक्रमों में जाना है, इसलिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।